ये जो बीते दिनों जो रामबाग मोहल्ले में जो एक गोदाम में छापेमारी की गई थी जहाँ अवैध ढंग से खाद्यान्न रखा गया था, वहाँ पे जो एमओ की जो भूमिका कहीं ना कहीं संदिग्ध नजर आ रही है, क्या कहना है इसमें? देखिए, अभी जहाँ तक ये बात है कि खाद्यान्न माफिया के यहाँ जो इस तरीके का रेड पड़ा, यह प्रशासन की बड़ी फुर्तीलापन दिखा, लेकिन बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो कोर्ट में जो गया है यह मामला, उस मामले में यह दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन उस खाद्यान्न माफिया से मिलीभगत करते हुए इस केस को कमज़ोर करने की कड़ी में उन्होंने एक बहुत बड़ी पहलू ऐसा निकाला है, वह यह है कि जिस पंजाब सरकार के किसी न किसी एफसीआई गोदाम से वह माल निकल कर बिहार में मुजफ्फरपुर के रामबाग इलाके में आया था, वहाँ जो लगभग 40 बोरा के आसपास सीलबंद बोरा पाया गया था, उस सीलबंद बोरा के बारे में किसी तरह का कोई जिक्र नहीं है, जबकि 400 बोरे की जब्ती सूची बनाई गई है, लेकिन सीलबंद बोरे की जब्ती सूची में कोई जिक्र न होना, यह साफ जाहिर होता है कि केस को कमज़ोर कर दिया गया है। और यह केस का कमज़ोर होने का जो उद्देश्य दिख रहा है वह यही दिख रहा है कि उस खाद्यान्न माफिया को बचाने में कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है। और अगर ऐसा हुआ है तो यह बड़ा ही दुखद है कि जहां एक ओर खाद्यान्न के लिए बिहार सरकार, भारत सरकार आज की डेट में कई कल्याणकारी योजनाओं खाद्यान्न के लेकर के खर्च कर रही है, और वहां पर इन माफियाओं के द्वारा जिस खाद्यान्न के ऊपर कालाबाजारी हो रही है, उस कालाबाजारी को रोकने में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन उस खाद्यान्न माफिया के साथ मिली हुई है, यह बड़ा ही दुखद है। एमओ के बयान पे एफआईआर दर्ज कराई गई है, एमओ की भूमिका किस रूप में देख रहे हैं इसमें? देखिए, एमओ साहब का आना बहुत ही अच्छा लगा कि भाई चलिए, उनकी इतनी सक्रियता दिख रही थी इस रेड वाले दिन में, लेकिन उनका जो उस दिन बयान आया था वो बड़ा अच्छा था कि हाँ, उस दिन उन्होंने बयान में यह बताया था कि जो सिलबंद बोड़ा आई हुई, जो पकड़ी गई है 40 बोड़ा, उसके बारे में वो जांच करने की भी बात कर रहे थे कि यह पता किया जाएगा कि किस एफसीआई गोदाम से यह माल आया था, यानी कि जिस एफसीआई गोदाम से यह माल इस खाद्यान्न माफिया के पास पहुंचा था, वह उसको खुलासा करने के लिए वह तत्पर दिख रहे थे। लेकिन आज जो कोर्ट के माध्यम से जो खबर आया है, जैसा कि आप लोगों ने अखबारों में भी पढ़ा होगा, जिसमें एमओ के बहुत ही संदिग्ध मामला दिख रहा है, लग रहा है जैसे कि एमओ बिक गए हैं, एमओ उस खाद्यान्न माफिया से मिल गए हैं, और एमओ और कुछ पुलिस पदाधिकारी दोनों मिल करके उस खाद्यान्न माफिया को बचाने में अपनी मुहिम में जुटे हुए हैं। मंच क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, लोक एकता मंच इस तरह की हर तरह जो भी मामला देश के अंदर में दिखता है, उस सारे मामलों के लिए लोक एकता मंच विरोध दर्ज करती है, और यह चेतावनी देती है उन खाद्यान्न माफियाओं को, उन पदाधिकारियों को जिनके मिलीभगत से इस तरह की खाद्यान्न घोटाला होते रहती है, इस घोटाला के लिए लोक एकता मंच हमेशा विरोध दर्ज करेगी और ज़रूरत पड़ने पर आंदोलन भी खड़ी करेगी। वैसे लोक एकता मंच की 5 सदस्यीय टीम कल दिनांक 20/11/2017 को जिलाधिकारी से भी मिलकर इस मामले को उठाने का जरूर से जरूर प्रयास करेगी। परिचय दीजिए। सेवादार अविनाश साई, लोक एकता मंच।